एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम फोकस नहीं कर पाते, कंटिन्यू हम नहीं पढ़ पाते, तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा फोकस बना रहे, हम टाइम वेस्ट ना करें। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इसका एक सिंपल सा आंसर ये है, जो क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करना है एंड उसका आंसर भी आपको खुद से ही देना है। सो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, जब भी आप टाइम वेस्ट करते हो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि जिन भी स्टूडेंट्स को आप पीछे छोड़ना चाहते हो, जिन स्टूडेंट्स से आपका मेन कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिन स्टूडेंट्स को पीछे करके आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपना सिलेक्शन लेना है, वो सब इस टाइम पर क्या कर रहे हो? एंड इसका आंसर अगर आप बहुत अच्छे से सोचते हो तो इसका एक ही आंसर आपको मिलेगा कि वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, और वो सब ये सोच रहे हैं कि मुझे इन सब को, मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं इन सबको मुझे पीछे छोड़ना है। एंड अगर आप इस टाइम पर, जहाँ पर नीट एग्ज़ाम के लिए इतना कम टाइम बचा है, इस टाइम पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, उनके लिए एक ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि ये सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको खुद से ही पूछना है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो इस टाइम पर क्या कर रहे होंगे, और इसका आंसर मिलेगा कि वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं जब तुम्हारे टाइम पर था तो ये सब जब मैं सोचता था तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा टारगेट है मैं उससे दूर जा रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ये सब गिल्टी होने की वजह से मैं फिर से पढ़ने लग जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं सेम टॉपिक ही पढ़ने लग जाऊँ, बट जब भी पढ़ने का मन ना करे, कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कोई सिंपल सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ लो जो आपको सिंपल लगते हैं, या फिर सबसे मेन एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो एंड आपके इनिशियल कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, और आपका ज़्यादा मन करता है पढ़ने के लिए, अंदर से मोटिवेशन आता है, हाँ यार अब मैं कर सकता हूँ। या फिर कोई ग्रैंड टेस्ट दे दो एंड उस ग्रैंड टेस्ट में अगर आपकी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो और भी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसलिए जब भी आप टाइम वेस्ट करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो इस टाइम पर। इस टाइम पर अगर आप एक घंटा भी वेस्ट कर रहे हो तो मतलब आप दूसरों से पीछे हो रहे हो, तो इस टाइम को यूटिलाइज करना, बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना।